यहाँ पर आए हुए इतनी बड़ी संख्या में सभी गांववासी भाई और बहनों, आज दिल्ली में मेरे राजनिवास में मैं आप सबका दिल से स्वागत करता हूँ। आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है ताकि हम आपके गांव की समस्या को समझ सकें और उसके बाद उस पर चर्चा करके उसका हल निकाल सकें। आपको अगर याद होगा कि कुछ दिन पहले जब मैं कुतुबगढ़ में था तो मैंने वहाँ पर एक बात कही थी कि जो बहुत सालों से दिल्ली के ग्राम विकास का जो फंड दिल्ली सरकार के पास करीब 10 सालों से ज़्यादा से पड़ा हुआ है उसे DDA को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और उसके बाद DDA गांव के विकास का कार्य अपने कंधे पर लेगा और उसे शुरू करेगा। मुझे बताने में बड़ी खुशी है कि मात्र 15 दिन के अंदर जो लगभग 10 सालों से वो फंड पड़ा हुआ था वो 800 करोड़ से कुछ ज़्यादा ही है, वो DDA को 15 दिन के अंदर ही ट्रांसफ़र हो गया और अब DDA उस फंड को गांव के विकास के लिए यूज़ करने की योजना बना रहा है। उस पर काफ़ी कुछ चर्चा हो चुकी है, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक बहुत बड़ा खाका बना भी लिया है सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ मिलकर कि किस गांव की क्या समस्या है, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ किस चीज़ की कमी है। और अब ये जो संवाद शुरू हुआ है वो इस वजह से शुरू हुआ है कि आपको क्या ज़रूरत है और हमने जो लिस्ट बनाई है उसमें ये चीज़ें हैं, अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो उसे कम करेंगे, आपको क्या ज़रूरत है उसको जोड़ेंगे और उसके बाद इस महीने के अंत तक हमारी फाइनल लिस्ट बन जाएगी। उसके बाद फिर टेंडर्स वगैरह होंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि मेरी कोशिश होती है कि मैं जो आपसे कहूं उसे पूरा करूं और ऐसा कोई वादा ना करूं जो मैं पूरा नहीं कर सकूं। और मुझे खुशी है कि अभी तक मैंने आपसे जो भी वादे किए हैं उसे पूरा करने की कोशिश की है। हो सकता है कि उसमें थोड़ी बहुत देर सवेर हो गई हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कभी आपके हाथ में नहीं होती हैं, लेकिन कोशिश ये रहती है कि हम उसे पूरा कर सकें। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि आप जो बुजुर्गवार हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी बहनें मौजूद हैं जो इतनी बड़ी संख्या में अलग अलग गाँव से इतनी ठंड में यहाँ पर आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो सवेरे शायद चले होंगे और यहाँ पर 9:30 बजे से लोग आना शुरू हो गए थे मुझे बताया गया था। हालांकि उनको एक अच्छे माहौल में रखने का पूरा इंतजाम किया गया है, लेकिन फिर भी शायद हो सकता है कि किसी को तकलीफ हुई हो तो उसकी मैं माफ़ी चाहूँगा। मेरा अपना मानना है कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, अगर इसका गांव स्वच्छ नहीं है, मजबूत नहीं है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें नहीं है तो वास्तव में दिल्ली की जो एक पहचान होनी चाहिए थी उस पहचान में हमेशा कमी रहेगी। इसीलिए जो मेरा सबसे बड़ा फोकस है वो ये है कि सबसे पहले 200 से ज़्यादा जो दिल्ली के गांव हैं उनको मजबूत करना है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। मैंने जब इस बारे में बहुत समय तक चर्चा की और ये पाया कि पिछले 10 सालों से तो करीब इन क्षेत्र में कभी कोई काम ही नहीं हुआ है, और क्योंकि मैं इन क्षेत्रों में घूमता रहता हूँ देखता हूँ ना रोड्स हैं ना नालियाँ हैं ना कोई सीवेज का सिस्टम है, जगह जगह गंदगी है, ये बात मुझे हमेशा से परेशान करती रही। मुझे खुशी है कि अब कुछ समय से इस पर जो कार्यक्रम चल रहा है उससे
बहुत सारे गांवों में तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत गांवों में बदलाव आया है और अब ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं आज आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जो 800 करोड़ से ज़्यादा डीडी के पास आए हैं वो तो हम गांवों के लिए यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ लगभग 480 करोड़ रुपया जो है गांवों के विकास के लिए ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया गया है, वो इस 800 करोड़ से अलग है। और उसमें लगभग 180 गांव हैं, 180 गांव हैं जिनमें कुछ कुछ कार्यक्रम को लिया गया है, और उसको भी हम गांव वालों से शेयर करेंगे कि वो 480 करोड़ रुपए के जो कार्यक्रम गांव में होने वाले हैं उसमें क्या क्या काम करने वाले हैं। तो मिला जुला के हमारे पास एक अच्छा खासा फंड है, और मेरा अपना मानना है कि इतने बड़े फंड से हम दिल्ली के एक एक गांव को बिल्कुल चमका देंगे, और दिल्ली में जो गांव की एक छवि होनी चाहिए, राजधानी के जो गांव की छवि होनी चाहिए, उसको हम उस रूप में जरूर लाने में सफल होंगे। मैंने अक्सर देखा है कि गाँव के बच्चों में स्पोर्ट्स की बड़ी भावना होती है और बहुत सारा कुछ करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर यही बात कहना चाहूँगा कि आज दिल्ली के जो बहुत हाई एंड स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं, जो हफ्ते में 4 नई नई गाड़ियों से आते हैं, उनको कभी मैंने आज तक किसी इंटरनेशनल इवेंट में या नेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करते हुए नहीं देखा है, क्योंकि वो शान होती है कि वो किस गाड़ी में आ रहे हैं। लेकिन गांव का जो बच्चा होता है उसकी शान इस बात में होती है कि हम कैसे अपने गांव का नाम रोशन करें। मैं कुछ दिन पहले जब एक और गांव में था तो मैंने करीब 8 या 10 बच्चों से मिलवाया गया था जिन्होंने कहीं कहीं पर कुछ मेडल्स जीते थे, और बात को मैंने उनको राज्यवास में मिलाकर सम्मान भी दिया था। हालांकि कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं दिया गया था, 50,000 रुपए ही दिए गए थे, लेकिन फिर भी उन बच्चों को इनकरेज करने की जरूरत थी। तो मुझे यकीन है कि जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि लोग खेलें और स्पोर्ट्स में आगे आए, ये मुझे दिल्ली के गांव के बच्चों में दिखाई पड़ता है। और इसीलिए कुछ गांव के समूह के बीच में स्पोर्ट्स फैसिलिटी को भी डेवलप किया जाएगा, जिससे कि 5 से 6 गांव के लोग बच्चे उसमें एक जगह पर आए खेलें। और मैं आज ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि मेरी अभी कुछ दिन पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल पांडे साहब से बातचीत हो रही थी, तो मैंने उनसे इस बात का जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको इंस्ट्रक्टर्स की जरूरत है तो इंडियन आर्मी आपको इंस्ट्रक्टर्स प्रोवाइड करेगी। तो हम इस तरीके से कार्यक्रम करते रहेंगे। हमारे यहाँ गांव में मैंने देखा है कि काफ़ी अच्छे इंस्ट्रक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको कुछ और भी मिलता है तो उसमें कोई बुराई नहीं। इंडियन ऑयल के चेयरमैन ने भी कहा है कि अगर आपको इंस्ट्रक्टर्स की ज़रूरत है वो गांव में रख लें, उसका सारा खर्चा हम उठाएंगे। तो इस तरीके के कार्यक्रम करते रहेंगे हम लोग, जिससे कि जो स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने की बात है उसको भी हम आगे लेके चले जाएं। मैंने जब से दिल्ली के उपराज्यपाल का कार्यभार संभाला है, मेरी हमेशा से ये नियत रही है कि मैं किस तरीके से दिल्ली को सजाऊं संवारूं, यहाँ वो हर सुविधा देने की कोशिश करूं जो दिल्ली एक राजधानी के रूप में जिसे मिलनी चाहिए। मैं आज इस मंच से एक बात का और अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि हमारे जो अधिकारीगण हैं, आपने देखा है कि बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और किस तरीके से इन गाँव को बदला जाए उसके लिए पूरी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। लेकिन 10 दिन के बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स एक एक गांव को चूज करेंगे और वहां सवेरे 10 बजे पहुंचेंगे और वहां रात में रहेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट डे वहां से वो लौटेंगे। और ये सिलसिला अभी हम सब उसकी बैठ के तैयारी करेंगे जारी रहेगा,
क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट का एक अधिकारी गांव में रहेगा तभी उसको गांव का फील मालूम पड़ेगा, तभी उसको मालूम पड़ेगा कि गांव की क्या समस्याएं हैं, इससे पहले उसको उसकी जानकारी नहीं होती। तो ये एक नई शुरुआत हम करेंगे और उसके साथ साथ जहाँ जहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में स्टेट जाएंगे उन गांव में मैं भी आऊँगा, मैं भी रहूँगा आपके साथ। और हम सब मिलजुल कर एक परिवार की तरीके से काम करेंगे और मुझे यकीन है कि हम 6 से 8 महीने में, हो सकता है थोड़ा समय और भी लग जाए, हमारे जो दिल्ली के गांव हैं उनकी कायाकल्प करने में सफल होंगे। कुतुबगढ़ के हमारे राणा साहब ने बहुत बड़ी लिस्ट जो है सुना दी। हाँ, कुतुबगढ़ से मेरा बड़ा नज़दीकी रिश्ता है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं बहुत बार वहाँ पर गया हूँ और जाता भी रहूँगा। लेकिन कुतुबगढ़ के साथ साथ हमारे दिल्ली के जो और गांव हैं उन्हें भी हमें उसी स्तर पर लाने की ज़रूरत है और हमारा प्रयास होगा कि जो हमारे पास इस वक्त फंड्स मौजूद हैं उससे हम पूरी तरीके से उनकी कायाकल्प कर लें। दोस्तों, गांव का विकास सिर्फ सड़कों का विकास या नालियों के विकास या स्ट्रीट लाइट के विकास से ही सीमित नहीं होता है। जो गांधी जी का कहना था कि गांव का विकास चौमुखा तभी हो सकता है जब गांव का हर व्यक्ति समृद्ध हो, वहां की महिला समृद्ध हो, तो आज जरूरत है कि हम अपने गांव में जो विलेज इंडस्ट्री से रिलेटेड इंडस्ट्रीज होती हैं, जो पोल्यूशन फ्री होती हैं, उनको भी चालू करें। मेरा क्योंकि खादी कमीशन का एक लंबा अनुभव है, उस लिहाज से बहुत से ऐसे छोटे छोटे उद्योग होते हैं जिन्हें शुरू किया जा सकता है, जिससे बहुत इनकम होती है। तो मैं आज इसी मंच से ये बात भी कहना चाहूँगा कि हमें बैठकर ये विचार करने की ज़रूरत है कि हमारे किस युवा या किस महिला के अंदर क्या क्षमता है और वो क्या करना चाहती है, उसी तरीके से हम प्लानिंग करें और उसको गृह उद्योग से जोड़ने की कोशिश करें। मैं यहाँ पर कुछ छोटे छोटे से एग्जाम्पल भी देना चाहूँगा कि हमारे दिल्ली के गांव में सरसों बहुत होती है और आपने देखा होगा एक आज से 3-4 साल पहले एक ज़माना था कि जब डबल रिफाइंड ऑयल, ट्रिपल रिफाइंड ऑयल लोग खाते थे और कहते थे कि इसे हार्ट को तकलीफ नहीं होती है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, डॉक्टर्स भी रिकमेंड किया करते थे। लेकिन जो हमारे पुराने समय की जो कच्ची घानी का ऑयल था जो धीरे धीरे विलुप्त होता चला गया था, मैंने खादी कमीशन में रहकर उसको दोबारा जिंदा करने की कोशिश की और आज देश के अंदर शायद हजारों इंडस्ट्रीज लगी हुई है जो कच्ची घानी को ऑयल को बेच रही है और उस ऑयल ने आज लोगों की सेहत को फिर बदलना शुरू कर दिया है। हमारी आर्म फोर्सेस जो हैं आजकल कच्ची घानी ऑयल खरीदने लगी हैं जो पहले डबल रिफाइंड और ट्रिपल रिफाइंड ऑयल लेती थी और उसकी यूनिट को लगाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, मात्र 25 लाख रुपए के अंदर एक यूनिट लगता है लेकिन उससे इनकम जो है बहुत अच्छी होने लगती है। तो लोग जो है किसी का दरवाज़ा खटखटाएं नौकरी के लिए, उससे बेहतर होगा कि वो लोग नौकरी देने वाले बने। इसी तरीके से बेकरी शायद कुतुबगढ़ में लगाई भी है, एक हम लोगों ने ही मिलकर लगवाई थी, आज बहुत सफल भी है वो वहाँ पर। इस तरीके के उद्योग चल सकते हैं, मधुमक्खी पालन ये हो सकता है। तो आज ज़रूरत है कि हम गांव को सिर्फ अच्छे रोड, अच्छी नाली, अच्छी बिजली से ही नहीं जोड़ें बल्कि उद्योगों से भी जोड़ें, जिससे कि वहां का जो व्यक्ति है वो अपने गांव में ही समृद्ध रहे, उसको कहीं बाहर आने की ज़रूरत ना पड़े। जहाँ तक गांव के चौतरफा विकास का सवाल है, जैसा मैंने कहा कि हमारी पूरी योजनाएं सब तैयार हैं,
शायद मैं दिखा भी सकता हूँ, बता भी सकता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या किया है। एक एक गांव का सर्वे होकर उसको तैयार किया गया है, और मैं हमारे जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बैठे हूँ उनकी जितनी भी तारीफ कम होगी, क्योंकि उन्होंने एक एक गांव का सर्वे करके मुझे बताया है कि इस गांव में सड़क की कमी है, इस गांव में नाली की कमी है, इसमें स्कूल नहीं है, इसमें हॉस्पिटल नहीं है, इसमें डिस्पेंसरी नहीं है, या इसमें पंचायत हाउस नहीं, जो भी चीज़ें हैं जो है नहीं है उसकी एक एक पूरी लिस्ट जो है बड़ी मेहनत से बनाई है, और उसके बाद हमारे सामने पेश की गई है। अब वो आपके सामने हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि उसमें जो आपका इनपुट हो उसको जोड़कर फिर हम उसको आगे बढ़े, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैं एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे यहाँ आए। और मैंने पहले भी कहा है कि राजनिवास पहले शायद हुआ करता था एक परिवार का निवास, लेकिन आज राजनिवास जो है दिल्ली के हर व्यक्ति का निवास है, और यहाँ हर व्यक्ति का स्वागत है। और मेरी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें, क्योंकि जब हम मिलते हैं तभी हमें मालूम पड़ता है कि लोगों की समस्या क्या है। फाइलों पर बहुत बार आपको समस्या का हल नहीं मिलता है जब तक कि आप दूसरे से मिल न लें, जब तक उसकी समस्या को न हल कर दें। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स ने या हमारे ऑनरेबल MPs ने जो अपनी बातें रखी हैं वो सारी नोट हो ही रही थी। मैं उनसे भी वादा करता हूँ कि हम उसको भी सॉल्व करेंगे। जहाँ उन्होंने कहा है कि मेरा विजिट ज़रूरी है, मैं वहाँ पर विजिट भी करूँगा, और अगर मेरे विजिट से कोई समस्या का हल होता है तो मैं हमेशा दौड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं तो कभी मना ही नहीं करता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पर आए।